नंबर वन इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब, मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं, कनान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते हैं। 90 पर छापा मारा गया, कनान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कनान चौधरी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ वीकली होरोस्कोप, उसकी कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जिस वीक की मैं बात करने जा रहा हूं, इस वीक का आगाज 18 सितंबर 2023 को होगा और इसका अख्ताम 24 सितंबर 2023 को होगा। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ वीक का ओवरऑल एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और इस एनालिसिस में मैं आपको एक एक डेट के बारे में बताऊंगा कि ये डेट कैसी है और इसमें नए काम का आगाज़ करना चाहिए या किस मकसद के लिए डेट को यूज़ करना चाहिए और किस मकसद के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। वीक के पहले दिन की बात करूं, 18 सितंबर 2023 का दिन, ये बहुत ही अच्छी डेट है। इसमें आप नए काम का आगाज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है नए काम के आगाज़ के लिए, लेकिन अच्छी डेट है। तो इसमें आप सफ़र पे जा सकते हैं, जॉब की ज्वाइनिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, इसके अलावा नए काम का आगाज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। नॉट अ वेरी गुड डेट, बट अच्छी डेट है। 70% इसमें लक आपको फेवर करेगी अगर आप नए काम का आगाज़ भी करते हैं तो। इस वीक के सदक़े की अगर मैं बात करूं तो इस वीक का सदक़ा लाइट ग्रीन कलर का रहेगा। हाफ के जी बाजरा पर पर्सन के हिसाब से सदक़ा किया जा सकता है, और अगर आप नए काम का आगाज़ करना चाह रहे हैं तो आधा किलो बाजरा पर पर्सन के हिसाब से और रेड कलर के कपड़े आप सदक़ा कर दीजिएगा अगर आप नए काम का आगाज़ करना चाह रहे हैं। फिर 19 सितंबर 2023 की डेट आती है जो कि अच्छी डेट नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए नए काम के आगाज़ के लिए। फिर इसमें मून जो है वो स्कॉर्पियो में चला जाएगा, तो 20, 21, 22 की जो डेटें हैं इनको नए काम से अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करें। ट्रैवल भी जो रेगुलर कर रहे हैं वही करें, नए काम का आगाज़ बिल्कुल ना करें, वही काम करने की कोशिश करें जो रूटीन में आप कर सकते हैं, बल्कि उनमें से भी अगर किसी काम के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। इस वीक के लक्की कलर की अगर मैं बात करूँ तो लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू एंड लाइट येलो इस वीक के लक्की कलर्स रहेंगे। एंड एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि कोशिश करें कि सिर्फ 18 को अहम काम करें और उसके बाद फिर 24 जो इस वीक की जो लास्ट डेट है वो भी एवरेज डेट है, उसमें भी ज़्यादा अहम काम जो है उस पर स्केजुअल ना करें। इस वीक में आपने जितने अहम काम स्केजुअल करने हैं 18 को करें और 19 की सुपहर तक आप कर सकते हैं। 19 को भी अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा, ये वीक ज़्यादा अहम कामों के लिए अच्छा नहीं है। नए काम का आगाज़ करने के हवाले से ये वीक बिल्कुल अच्छा नहीं है। शादी में ब्याह मंगनी वगैरह के लिए ये वीक ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। अब शुरू करते हैं अपने पहले जोडियक साइन के साथ जो कि इस वीक की हमारी कैलकुलेशन है। हमारा पहला जोडियक साइन एरीज। एरीज आप लोगों की इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस वीक में आप अपने फैमिली सर्कल में बहुत स्पेशल फील करेंगे, बड़ा अच्छा फील करेंगे, पीस फील करेंगे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। रिलैक्सेशन का जो माहौल है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं आप अपना टाइम पीरियड अपने लव वन के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने आइडियल दोस्तों के साथ गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा और रिलैक्सिंग टाइम पीरियड आपके लिए नज़र आ रहा है। लव होरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप के हवाले से यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग जो है वो बेटर होती हुई नज़र आ रही है, रिलेशनशिप आपका बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ रोमांटिक टाइम पीरियड आप अपने लव वन स्पाउस या लाइफ पार्टनर के साथ गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप कहीं ना कहीं आमदोरफ्त का सिलसिला रहेगा, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर रहेगा, और स्पेशली आपका टाइम पीरियड अपने लव लाइफ के साथ, लव पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा और आइडियल गुजर सकता है। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 8.5 out of 10 क्योंकि प्लानिटरी पोजिशन आपको बहुत अच्छी फेवर दे रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूँ एरीज आपके लिए इस वीक के हवाले से तो ये अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। इन्वेस्ट करने के वाले से अगर आप पैसे
उधार लेना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ सकती हैं। अपने फिनांस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, अपने जो आप एक्सपेंसेस हैं उनको कम करने की कोशिश करें, जो आपने पेमेंट्स देनी है उनको टाइम पे पे करने की कोशिश करें, और अपनी डिवाइसेस का ख्याल रखें, अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह, बैंक पासवर्ड वगैरह का ख्याल रखने की ज़रूरत आपको रहेगी। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 6, 10 and 11 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडियक साइन आपके लिए रहेंगे एरीज और टॉरस, जबकि लियो और पाइसिस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, वर्क का लोड बहुत ही कम रहेगा, लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, मूड आपका काफ़ी हद तक खुशगवार रहता हुआ नज़र आ रहा है। एरीज, वीडियो के आगाज़ में मैंने तमाम डेज के हवाले से कैलकुलेशन आपके साथ शेयर की है, वीडियो को आगाज़ से देख के चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जोडियक साइन टॉरस। टॉरस आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूँ जो कि 18 सितंबर 2023 को शुरू होने जा रहा है, आप के लिए कहीं ना कहीं एक आइडियल सिचुएशन बनती नज़र आ रही है। प्लैनेटरी पोजीशन आपकी फेवर में जाती नज़र आ रही है, कुछ ड्रीम कम्स ट्रू वाली सिचुएशन आपके लिए बनती नज़र आ रही है, बट वहीं पे आपको थोड़े से डिसीजंस भी अहम लेने होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत आपको रहेगी, क्योंकि पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ओवरऑल आपके लिए करियर के हवाले से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। मे बी आप अपनी स्टडी में या करियर में कुछ अचीवमेंट्स हासिल कर पाएँ, बट आपकी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स में जाती हुई नज़र आ रही हैं, जिसको कहीं ना कहीं मैनेज करना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का बाइस रहेगा। टॉरस, मैंने वीडियो के आगाज़ में इस वीक की लकी डेट्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं, उसको फॉलो कर लीजिएगा। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए प्लैनेटरी पोजीशन फेवरेबल बनती नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि आपके लाइफ पार्टनर को कहीं ना कहीं आपसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स में आपके लिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ पे फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या घर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से आपके आर्गुमेंट्स अपने लाइफ पार्टनर के साथ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लव हॉरोस्कोप को मैं आपके रेट करूंगा 5.9 out of 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही है। टॉरस फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। टेम्परेरी तौर पर आप कहीं ना कहीं फंड्स के हवाले से प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे, और हो सकता है आपके लिए पैसे कमाना या पैसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाए, और अखराजात भी कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किलात का बाइस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपने कैश फ्लो में इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं, और स्पेशली अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो फिर आपको अपने कोलीग्स पे और पार्टनर पे नज़र रखने की ज़रूरत है, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम बन रही है। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 10, 11 और 12 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडियक साइन आपके लिए रहेंगे सेजिटेरियस और एरीज, जबकि कैंसर और लियो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी एवरेज रहती नज़र आ रही है, वर्क का लोड रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लक आपको जो है वो बहुत कम फेवर दे रही है, मूड आपका एवरेज से बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जोडियक साइन जेमिनी। जेमिनी आप लोगों की अगर मैं बात करूं इस वीक के हवाले से, जिसका आगाज़ 18 सितंबर 2023 को होने जा रहा है, तो आपके लिए थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको अपने कोलीग्स के ऊपर। अगर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो अपने आपके कोलीग्स आपके लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपके ऑफिस से रिलेटेड मसाइल आपके आड़े आ सकते हैं। इसके हवाले से इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी आपको लेना पड़ सकते हैं। अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, या किसी स्पेशल लेटर का, या कोई अचीवमेंट आपके पास आने वाली है उसका वेट कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा डिले आ सकता है। मे बी आपके सीनियर्स आपसे हैप्पी नज़र नहीं आ रहे, और
आपकी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं, अपने घरेलू मामलों में थोड़ा स्ट्रक होते हुए आप नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में, जॉब में प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और आपके बॉसेस या सीनियर्स आपसे खुश होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इवन अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपके पार्टनर आपसे या इवन आपके क्लाइंट्स आपसे हैप्पी होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और लोग आपको अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। जितना आप काम करेंगे, जितना दूसरों की हेल्प करेंगे, जितना अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, लोग आपको बिल्कुल भी अप्रिशिएट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। स्पेशली आपके सीनियर बॉसेस आपसे नाराज़गी का इजहार करेंगे, जो आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहां पे चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नज़र आ रही हैं। जेमिनी, जितनी प्रॉब्लम्स थी आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ, लव वन के साथ, स्पाउस के साथ, वो तेज़ी के साथ इख्तिताम पज़ीर होती हुई नज़र आ रही हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी और टम्परेरी तौर पे सही, बट आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा बूस्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। आपका पार्टनर आपको फोकस करेगा आपकी ज़ात पे, आपकी बात मानेगा और आपको टाइम भी देता हुआ नज़र आ रहा है। सो लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 10 out of 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजिशन बहुत ही फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो यहाँ पे आप लोग आउट ऑफ मनी होते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसे आपके पास नहीं रहेंगे, एक्सपेंस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अपने अखराजात पूरे करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बल्कि जितने अखराजात इस टाइम पीरियड में आप कर लेंगे, आगे कुछ मंथ्स आपके लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको अपनी सेविंग को बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, 11, 12 and 15 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडियक साइन आपके लिए रहेंगे एरीज और पाइसिस, जबकि स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं, हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, लक बहुत कम फेवर दे रही है आपको, मूड आपका बोर रहता हुआ नज़र आ रहा है, ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। जेमिनी, मैंने वीडियो के आगाज़ में इस वीक के लकी कलर्स, लकी नंबर्स और सदकात बताए हैं, उसको फॉलो कर लीजिएगा। कैंसर आपके लिए जिस वीक की मैं बात करने जा रहा हूँ, इस वीक का आगाज़ 18 सितंबर 2023 को होने जा रहा है और ये वीक आपके लिए प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप अपनी ज़ात पे फोकस करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारने का आपको मौका मिलेगा और जो चीज़ें आप अपने पीछे जो प्रॉब्लम्स छोड़ के आए थे, उनमें से कुछ प्रॉब्लम को हल करने का मौका आपको मिलेगा और कुछ से सीखने का मौका आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें, विन विन सिचुएशन काइंड ऑफ रहेगी कैंसर, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना भी आपको करना पड़ेगा। पर इस टाइम में अच्छी चीज़ ये है कि टाइम आपको फेवर दे रहा है, जिस प्रॉब्लम में आप हार डालेंगे उसको इंशाल्लाह आप सॉर्ट आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आपके लिए की ऑफ सक्सेस ये है कि एक लिस्ट बना लें अपनी प्रॉब्लम्स की, जिनको आप पहले हल करना चाहते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, इस तरह अपनी लक का इस्तेमाल करते जाएं, क्योंकि मिड वीक के बाद लक आपको ज़्यादा फेवर नहीं देगी। इस वीक में कुछ ऐसे टफ इश्यूज भी आपके सामने आएंगे जिनके साथ डील करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली ये आपके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड होंगे, तो इसको आप मिड वीक के बाद ही रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप आपका बहुत ही अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, इसको स्ट्रेंथ मिलेगी और आप अपने लव वन, लाइफ पार्टनर या स्पाउस के साथ किसी इवेंट में भी जा सकते हैं, आउटिंग पे भी जा सकते हैं। बहुत ही इमोशनल टाइम आपका गुजरता हुआ नज़र आ रहा है और ये पॉजिटिव इमोशंस होंगे, नेगेटिविटी का इसमें आंसर नज़र नहीं आ रहा। सो जो सिंगल कैंसर हैं वो अगर रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। और अगर आप सिंगल कैंसर हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं अपने प्यार का या फिर शादी करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए, इसको यूटिलाइज़ करें, से फायदा उठाने की कोशिश करें। आपकी प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हुए आपकी लव लाइफ को रेट करूं, 10 out of 10 कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं कैंसर आपके लिए, तो यहां पे थोड़ा सा आपको अपने फिनांशियल मैटर्स पे आंख रखने की ज़रूरत है, थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपनी डेडलाइंस को मत भूलिएगा, जो पेमेंट्स करनी है, अकाउंट बैलेंस का ख्याल रखिएगा, पेमेंट्स को टाइम पे रिलीज़ करने की कोशिश कीजिएगा और अपने एक्सपेंसेस को कम से कम 50% कम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, इनकम आपकी सेम की सेम रहती हुई नज़र आ रही है, ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का बाइस
हो सकता है। लकी नंबर्स की बात करूँ, 6, 7 and 9 आपके लकी नंबर्स रहेंगे और कंपेटिबल जोडियक साइन आपके लिए रहेंगे टॉरस और स्कॉर्पियो, जो कि एरीज और जेमिनी के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूँ तो हेल्थ आपकी एवरेज रहती है, नज़र आ रही है। वर्क का लोड आपके ऊपर रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। लक आपको एवरेज से बेहतर फेवर दे रही है, मूड आपका बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे मैंने वीडियो के आगाज़ में इस वीक के लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं, वीडियो को आगाज़ से देखिएगा ताकि आप बेनिफिट हासिल कर सकें। नेक्स्ट हमारा जोडियक साइन लियो। लियो आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो इस वीक में आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आपके सर पे आती ही नज़र आ रही हैं। कुछ रुकावटें भी आपके काम में आती ही नज़र आ रही हैं। लियो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, यहाँ पे कोई बदनजरी का आंसर बनता हुआ नज़र आ रहा है जो आपके काम में ऑब्स्टेकल लेके आ रहा है, डिलेज लेके आ रहा है, प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है जो आपके लिए डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं। अपना सदका ज़रूर कीजिएगा। और लियो मैंने आपका सदका इस वीक के हवाले से वीडियो के आगाज़ में बता दिया है, लकी नंबर्स बता दिए हैं, लकी कलर्स बता दिए हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा। रेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी डाइट का ख्याल रखिएगा, अपनी एनर्जी को बहाल करने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है आपको। डिसकम्फर्ट से बचने की कोशिश करें, अपनी हैबिट्स को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने घर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, अपने सोने और जागने के हवाले से स्पेशली अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज होती नजर आ रही है लियो, इस पे तवज्जो देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। काम पे ज्यादा तवज्जो आपकी नहीं रहेगी, हेल्थ पे फोकस करते हुए आप नजर आ रहे हैं। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं आपके लिए लियोस, तो यहां पे आप इस सिचुएशन में होंगे कि आप अपने लाइफ पार्टनर लवन या स्पाउस को जज करते हुए नज़र आएंगे। आप काउंट कर सकेंगे कि कितना आपके लिए वो अवेलेबल है बैड टाइम में, कितना नहीं है। वो आपके साथ सिर्फ अपनी फीलिंग का इजहार कर रहा है या प्रैक्टिकली भी आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये उन लोगों के लिए था जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है, जो यंग कपल्स हैं और रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए प्लैनेटरी पोजिशन बहुत अच्छी बनती नज़र आ रही है। बोरियत आपकी ख़त्म होती नज़र आ रही है और आपकी अपने लाइफ पार्टनर या लव वन के साथ बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी। बट अगर आप नए नए रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना आपको करना पड़ सकता है, जो कि मिड वीक के बाद बेहतरी में कन्वर्ट होती नजर आ रही हैं। लव हॉरोस्कोप को मैं आपके रेट करूं तो 8.5 मैं इसको रेट करूंगा आउट ऑफ 10। फिनांस की अगर मैं बात करूं लियो, तो यहां पे आपके अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और सेविंग पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होगी। और इनकम आपकी इस टाइम पीरियड में ज़्यादा बेहतर होती है नज़र नहीं आ रही, इनकम को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। काम आपका ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा, बट कहीं ना कहीं आपके लिए अखराजात को लेकर प्रॉब्लम पड़ती ही नज़र आ रही हैं। लकी नंबर्स की बात करूँ, 5, 6 and 11 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपेटिबल ज़ोडियक साइन आपके लिए रहेंगे जेमिनी और स्कॉर्पियो, जबकि टॉरस और वर्गो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी बहुत कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड एवरेज रहेगा, लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, मूड आपका ऑन एंड ऑफ स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। लियो, इस वीडियो के आगाज़ में मैंने तमाम वीक के सदकात, लकी डेट्स, लकी नंबर्स, तमाम चीज़ें बताई है, उसको वीडियो को आगाज़ से देख के उसको फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जोडियक साइन वर्गो। वर्गो जिस वीक की मैं बात करने जा रहा हूँ, इस वीक का जो आगाज़ है वो होगा 18 सितंबर 2023 को और अख्ताम 24 को होगा। एंड इस टाइम पीरियड में वर्गो आपके लिए प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इस तरह की बनती हुई नज़र आ रही है कि आपको लगेगा कि तमाम लोग, तमाम दुनिया, तमाम आपके इर्द गिर्द के जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, आपको मेंटली तौर पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं और मेंटली तौर पे कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सोच के आप डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहने पे फोकस करें, अपनी एक्टिविटीज़ को इंजॉय करने की कोशिश करें और इस तरह की बातों को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करें। गो के आपका फोकस यहाँ पर रहेगा और मेंटली तौर पे डिस्टर्ब भी आप नज़र आ रहे हैं, बट आप क्या कर सकते हैं, की ऑफ सक्सेस ये है, मूवीज़ देखने की कोशिश करें, ऐसे काम करने की कोशिश करें जिससे आपका थोड़ा सा फीलिंग आपकी बेहतर हो सके। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप में आपके
बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और आपको आपकी वीकनेसेस में रिकवर होने करने के हवाले से फेवर दे रहा है। उसकी सपोर्ट आपकी रिकवरी में बहुत ही आपको मदद देगी और बहुत तेज़ी के साथ आप रिकवर करेंगे इन चीज़ों से। बोरियत आपकी कम होती नज़र आ रही है। आपका स्पाउस आपको कहीं ना कहीं रोमांटिक टाइम प्रोवाइड करेगा, कुछ ऐसी आपके लिए पॉजिटिव सरप्राइजेस लेके आएगा जिससे आप बेहतर फील करेंगे। एटलीस्ट आपके रिलेशनशिप में बहुत बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो भी प्रॉब्लम्स आपके अपने लव वन के साथ थी, लाइफ पार्टनर के साथ थी, स्पाउस के साथ थी, वो ग्रेजुअली कम होती हुई नज़र आ रही है। मैं रेट करूँगा आपकी लव लाइफ को 7.8 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लैनेटरी पोजिशन आपके लिए फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। वर्गो आपके लिए फिनेंशियल मैटर्स आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए सोच रहे हैं तो बेस्ट टाइम है आपके लिए मिड वीक के बाद। स्पेशली लक्की नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 5, 6 and 12 आपके लक्की नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल जोडियक साइन आपके लिए रहेंगे जेमिनी और एक्वेरियस, जबकि लियो और कैप्रिकॉन के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं तो कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड रूटीन से थोड़ा कम रहेगा। लक आपको एवरेज से बेटर फेवर दे रही है। मूड आपका ऑन एंड ऑफ बोर रहता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पे काम करने की ज़रूरत आपको रहेगी। वर्गो, इस वीडियो के आगाज़ में मैंने इस वीक की लकी डेट्स, अनलकी डेट्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप बेनिफिट हासिल कर सकें। नेक्स्ट हमारा जोडियक साइन लिब्रा। लिब्रा आप लोगों की बात करूँ इस वीक के हवाले से, जिसका आगाज़ 18 सितंबर 2023 को होने जा रहा है, ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा है। स्पेशली जो स्टूडेंट हैं और लिब्रा हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है नई लर्निंग के हवाले से। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं स्टडी वीज़े पे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। अगर एग्ज़ाम है और वो पास करना चाहते हैं उसके लिए आपके बहुत ही अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और उसके लिए अप्लाई किया है तो यकीन करें आपको जॉब मिलने में बहुत आसानियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। सिर्फ आपको दूसरों से बातचीत करने की ज़रूरत है, वो खुद ब खुद कन्विंस भी होंगे और आपकी हेल्प करते हुए भी नज़र आएंगे। कुदरत लिब्रा आप पे मेहरबान होती हुई नज़र आ रही है। इसको मज़ीद बढ़ावा देने के लिए अपनी लक को वीडियो को आगाज से देखिएगा, सदकात को फॉलो कर लीजिएगा, लकी नंबर्स को, लकी डेट्स को, लकी कलर्स को फॉलो कर लीजिएगा। लव हॉरोस्कोप की मैं आपकी बात करूं लिब्रा, तो यहाँ पे आपके लिए बेहतरी बनती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर का बिहेवियर जो आपके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाला था या स्टबन था आपका पार्टनर आपके साथ, वो भी बेहतरी की तरफ जाती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो यहाँ पे बेहतरी आएगी आपके रिलेशनशिप में, स्पेशली मिड के बाद। उससे पहले थोड़ी सी स्टबननेस देखने को मिलेगी आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से, और आपके घर में कोई बाहर से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी आपके सामने आएगा। सो इस टाइम पीरियड में मैं आपके लव लाइफ को रेट करूंगा 6.9 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन फेवरेबल भी है, प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके लिए इनकम इतनी ज़रूर नज़र आ रही है जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नई जॉब ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी बहुत ही अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। लकी नंबर्स की बात करूं लिब्रा, आपके लिए लकी नंबर्स रहेंगे 5, 6 and 12 और कंपैटिबल जोडियक साइन आपके लिए रहेंगे एरीज और पाइसेस, जबकि आपके अपने जोडियक साइन लिब्रा और एक्वेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहती है नज़र आ रही है। वर्क का लोड रूटीन से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर दे रही है। मूड आपका एवरेज रहता हुआ नजर आ रहा है। सो लिब्रा सदका जरूर दीजिएगा वीडियो को गास से देख के। नेक्स्ट हमारा जो जोडिक साइन है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आप लोगों की अगर मैं बात करूं इस वीक के हवाले से तो ये वीक स्कॉर्पियो आपके लिए, जिसका आगाज होगा 18 सितंबर 2023 से और 24 तक ये वीक रहेगा, ये
बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। अगर आप काम का आगाज करना चाहते हैं, दूसरों से हेल्प लेना चाहते हैं, आपके एटीट्यूड में बेहतरी आती हुई नजर आ रही है, आपका एटीट्यूड बेहतर होगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही अच्छी चेंजेस आती हुई नजर आ रही हैं, जिन लोगों से आपको हेल्प चाहिए वो मिलती हुई नजर आ रही है, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपके काम को भी अप्रिशिएट करेंगे, इन्वेस्टमेंट देने के लिए भी लोग आपको तैयार रहेंगे, लोग आपके लिए काम आपके साथ काम करने पे आमादगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। घर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका जो पार्टनर है, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, गो के कुछ डिमांड्स उनकी रहेंगी आपसे, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हल होती हुई नजर आ रही हैं और सपोर्ट उनकी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, आपके लिए तो आपकी शादी के हवाले से लाइफ पार्टनर लव वन के साथ टाइम बहुत अच्छा गुजरता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली आपका टाइम पीरियड अपने पार्टनर से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी एजुकेशन और डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे भी आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के हवाले से कुछ एक्शंस लें और आप किसी से इंस्पायर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं और वही इंस्पिरेशन आप कहीं ना कहीं बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। उस इंस्पिरेशन से अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में, स्पेशली आप अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से बहुत ही अच्छी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 10 out of 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजिशन 100% फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी जो सेविंग्स हैं वो खर्च होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस को कम करने पे फोकस करना होगा और अपने पैसों को बचाने के लिए थोड़ी सी आपको ट्रिक्स यूज़ करना होंगे, अदरवाइज आपके लिए बेनिफिट्स तो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी इनकम आपकी अच्छी नज़र आ रही है, बट सेविंग आपको बचानी है अगर तो थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा अखराजात को कंट्रोल करने के हवाले से। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं आपके लिए 7, 11 and 12 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल जोडियक साइन आपके लिए रहेंगे वर्गो और टॉरस, जबकि कैंसर और कैप्रिकॉन के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ आपकी एवरेज रहती है नज़र आ रही है, वर्क का लोड रूटीन से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लक आपको फेवर दे रही है, मूड आपका खुशगवार रहता हुआ नज़र आ रहा है स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो वीडियो को आगाज से देख के इस वीक के लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात जो है वो ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सकें। सो स्पेशली जो आपके लिए सदकात हैं इस वीक के स्कॉर्पियो, वो ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा क्योंकि इस वीक में आपके लिए काफ़ी फ़ायदा मंद होने वाली हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट हमारा जोडियक साइन सेजिटेरियस। सेजिटेरियस आपके लिए इस वीक की बात करूं तो 18 सितंबर 2023 से जिस वीक का आगाज़ होने जा रहा है, यह आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देने जा रहा है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे, अपनी वर्थ लोगों को दिखाने और बताने के बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे। इस टाइम पीरियड में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, आपको अपनी काबिलियत लोगों को दिखाने का मौका मिलेगा और आप ये लोगों को बताने और मनवाने में कामयाब हो जाएंगे कि आपकी काबिलियत क्या है। इसी बेस पे आपको कहीं ना कहीं तरक्की मिलने के चांसेस भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो बहुत अच्छी डील्स आपका वेट कर रही हैं और नई मार्केट में आप एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी प्रमोशन के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है एंड आप कुछ ना कुछ इस वीक में ज़रूर अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने प्रोफेशन के हवाले से, अपने करियर के हवाले से। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूँ आपके लिए सेजिटेरियस, तो आपके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली आपके बच्चे अगर हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका पार्टनर भी इसमें आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे भी आपके मिस आर्गूमेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई नज़र आ रही है, आर्गूमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो आप इस टाइम पीरियड में अपने लाइफ पार्टनर और स्पेशली फैमिली मेम्बर्स और बच्चों को लेके कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं करेंगे, बैड फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आपकी लव लाइफ को अगर मैं रेट करूं तो 7.9 out of 10 मैं इसको रेट करूंगा।
फिनांस की अगर मैं बात करूं सेजिटेरियस आपके लिए, तो आपके अखराजात जो हैं वो आपके बच्चों की वजह से, आपके लाइफ पार्टनर की वजह से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इमोशनल भी होंगे, थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो आपको न्यूमरोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजिकली यही एडवाइस करूँगा कि अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश करें, वाइज तरीके से उनको कन्वे करें कि अखराजात को कैसे कंट्रोल करना है, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इससे आपका रिलेशनशिप भी बच जाएगा, अदरवाइज आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। और लकी नंबर्स की अगर बात करूं, 5, 6 और 11 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल जोडियक साइन आपके लिए रहेंगे कैप्रिकॉन और वर्गो, जबकि एक्वेरियस और लियो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की अगर बात करूं तो हेल्थ आपकी एवरेज रहती नज़र आ रही है, वर्क का लोड बहुत ज़्यादा रहेगा, लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर दे रही है, मूड आपका वीक के आगाज़ में अग्रेसिव रह सकता है, उसके बाद बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। सेजिटेरियस, मैंने वीडियो के आगाज़ में इस वीक के तमाम लकी नंबर्स, लकी कलर और सदकात बताए हैं, वीडियो को आगाज़ से देख लीजिएगा ताकि आप इनको फॉलो करके बेनिफिट हासिल कर सकें। नेक्स्ट हमारा जोडियक साइन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉन इस वीक के हवाले से आप लोगों की बात करूं, जिसका वीक आगाज जो है वो 18 सितंबर 2023 को होने जा रहा है, तो इस टाइम पीरियड में आप बेहतर फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिलैक्स करेंगे आप और नेचर के साथ आपका कनेक्शन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपकी रोज़मर्रा प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नज़र आ रही हैं, कहीं पे रेस्ट करने का मौका आपको मिल सकता है, किसी ट्रिप पे जाने का मौका मिल सकता है, या आप ऐसा सफ़र कर सकते हैं जो आपका आइडियल हो, किसी ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं जहाँ पे जाके आप अच्छा फील करते हो। तो अगर आप किसी ऐसी स्पेशल प्लेस रखते हैं कैप्रिकॉन जहाँ पर जाके आपको अच्छा फील होता है, चाहे वो पहाड़ों से रिलेटेड चीज़ें हों या फिर वो ऐसा कोई कुदरत का करिश्मा हो जिसको देख के आपको अच्छा फील होता हो, तो उस जगह पे आप जा सकते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की जो एनर्जी है आपकी वो बूस्टअप होती हुई मुझे नज़र आ रही है। सो ये वीक आपको कहीं ना कहीं घर से दूर ले जाता हुआ नज़र आ रहा है, ज़्यादातर टाइम आपका घर से बाहर गुजरता हुआ नज़र आएगा इस वीक में, और ज़्यादातर टाइम ऐसी जगह पे गुजरेगा जो आपकी आइडियल जगह है, आइडियल प्लेस है। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉन आपके लिए, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। लव लाइफ में आपकी इंप्रूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है, आप रोमांटिक डिनर कर सकते हैं और रोमांटिक टाइम गुजारते हुए अपने लाइफ पार्टनर के साथ नज़र आ रहे हैं। जो सिंगल कैप्रिकॉन्स है उनकी कंपैटिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है, उनको किसी नए दोस्त से मिलने का मौका मिल सकता है जो उनके साथ अच्छा रोमांटिक और स्पेशल टाइम गुजारता हुआ नज़र आएगा। सो लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 9.9 out of 10, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्लैनेटरी पोजिशन फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही है। कैप्रिकॉन फिनांस की अगर मैं बात करूं, तो इस टाइम पीरियड में अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। घर, कार, फ्लैट वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए भी टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं, 5, 6 और 12 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल जोडियक साइन आपके लिए रहेंगे एरीज और टॉरस, जबकि सेजिटेरियस और लियो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं, हेल्थ आपकी एवरेज रहती नजर आ रही है, वर्क का लोड आपके ऊपर ज़्यादा नहीं रहेगा, वो भी एवरेज रहता नज़र आ रहा है। लक आपको थोड़ी ज़्यादा फेवर दे रही है, मूड आपका जो है वो बोर रहता नज़र आ रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम इस वीक में, और आउटिंग के हवाले से आप सक्सेसफुल रहेंगे इस वीक में। कैप्रिकॉन, मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम लकी नंबर्स, लकी कलर और सदकात इस वीडियो के हवाले से बताएं, इस वीक के हवाले से वो ज़रूर देखिएगा और उसको फॉलो करके बेनिफिट हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जोडियक साइन जो है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं, जिसका आगाज 18 सितंबर 2023 को होने जा रहा है, इस वीक में चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आपका एटीट्यूड बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, जो काफ़ी अरसे से बैड एटीट्यूड का सामना था आपको अपनी तरफ से भी, वो भी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। नए प्रोजेक्ट पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं आप, नई एनर्जी के साथ आप अपने काम में अपनी एफर्ट्स को पुट करेंगे और नए गोल्स बनाएंगे जिनको अचीव करने के लिए आप प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं।
आगे दो तीन वीक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आ रहे हैं एक्वेरियस, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत आपको रहेगी। एंड मीनवाइल अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, तो इसमें थोड़ी चेंजेस आती हुई नज़र आ रही हैं, थोड़ा सा लोड फैमिली मेंबर्स की तरफ से आप पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आपके लिए रेस्ट करने का टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ट्रैवलिंग करते भी आप नज़र आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ट्रैवलिंग के दौरान थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत रहेगी, आइदर आप ड्राइविंग करते हों या फिर आप वैसे प्लेन का यूज़ करें या वैसे किसी रेंट आउट करें गाड़ी वगैरह को, वॉट एवर कुछ भी है आपको अपने जो ट्रैवल के हवाले से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह ना करे ऐसा हो बट कहीं ना कहीं आप किसी प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं, इंजरी का शिकार हो सकते हैं, एक्सीडेंट अल्लाह ना करे आपका हो सकता है, किसी किस्म का हादसा पेश आ सकता है। सो आपको इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपना सदका दें। इस वीक के तमाम सदकात, लकी नंबर्स, लकी कलर्स मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं, वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो कर लीजिएगा। लव और स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए रोमांस की अपॉर्चुनिटीज़ बनती नजर आ रही है, बट ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहेंगी। रोमांस की अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगे आपके लिए और वहीं पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो स्ट्रेंज सी प्लैनेटरी पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है, मे बी आप किसी के साथ डेट पे जाएं और वहां पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए और ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाए। सो मैं रेट करूंगा आपकी लव लाइफ को 4.9 आउट ऑफ 10, क्योंकि ज़्यादा अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन बनती हुई नज़र नहीं आ रही, स्पेशली वो एक्वेरियस जो डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या अलार्मिंग सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। आपको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। फिनांस की अगर मैं बात करूँ आपकी, तो यहाँ पे आपके लिए नई जॉब ऑफर्स आती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और आपको जॉब मिलने के चांसेस भी इस वीक में काफ़ी रहेंगे आपके लिए एक्वेरियस। सो अगर आपने अभी तक जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, अप्लाई कर दें, और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जॉब को तो वीडियो के आगाज़ में मैंने लक्की डेट्स बता दी हैं। लक्की नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, 6, 7 and 12 आपके लक्की नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडियक साइन आपके लिए रहेंगे सैजिटेरियस और एक्वेरियस, जबकि लिब्रा और वर्गो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है, वर्क का लोड आपके ऊपर रूटीन से ज़्यादा रहेगा, लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं दे रही, आपको रिस्क नहीं लेना है, मूड आपका एवरेज रहता हुआ नज़र आ रहा है एक्वेरियस। लास्ट हमारा जोडियक साइन पाइसिस। पाइसिस आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं जो कि 18 सितंबर 2023 को शुरू होने जा रहा है, तो इस वीक में आप कोशिश करें रिलैक्स रहने की, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करें और फोकस करने की कोशिश करें अपने काम पे, दूसरे लोगों को हेल्प करने की बजाय अपनी प्रॉब्लम्स को अगर आप पहले हल करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका फोकस अपने काम पे हट के गॉसिप्स पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपने सर लेते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने काम को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये आपके लिए डिस्प्यूट का बायस बन सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का बायस बन सकता है, इससे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। आई जस्ट वॉन्ट टू से दूसरों के काम में टांग अड़ाने से पहले अपने काम को बेहतर करने पे तवज्जो देने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और जिस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन मुश्किलात दिखा रही है पाइसिस, आप सदका ज़रूर दीजिएगा, जो वीडियो के आगाज़ में बता चुका हूँ मैं, लकी नंबर्स बताए हैं, लकी कलर्स बताए हैं, उनको भी फॉलो कीजिएगा। एंड दूसरों की बातें सुनने की बजाय मैं आपको कहूँगा कि अपने दिल की बात सुनेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे तो उसको हल करने में आपको मदद मिलेगी। अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज से अवॉइड करें। अगर आप करना चाहते हैं तो मेडिटेटिंग या फिर योगा का सहारा लें, कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आपको। अपने खाने पीने की जो क्या कहते हैं रूटीन है उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं, बेहतर सप्लीमेंट्स लें, मल्टी विटामिंस लें। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, स्पेशली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो डॉक्टर से ज़रूर रजू करें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे हेल्थ के हवाले से बढ़ सकती हैं। लव और स्कोप की अगर मैं बात करूँ पाइसिस आपके लिए, तो आप अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं बोर फील कर सकते हैं, लगता है कि आप तंग आ चुके हैं अपने पार्टनर से, उसकी
बातों से या उसकी प्रॉब्लम से, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती हैं, सीरियस किस्म के डिस्प्यूट और आर्गुमेंट बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपके अपने लाइफ पार्टनर लवन या स्पाउस के साथ। तो मैं रेट करूंगा आपकी लव लाइफ को 5.5 out of 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन ज़्यादा फेवर नहीं दे रही और आप कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो वाइसेस, फिनांस की अगर मैं आपके लिए बात करूं तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है फिनांस के हवाले से। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए वर्क फ्रॉम होम के हवाले से प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही हैं। एंड एक्सपेंस आपके थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं बच्चों की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से। और फ्यूचर के हवाले से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के हवाले से, तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। लकी नंबर्स की बात करूं, 20, 21 और 24 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडियक साइन आपके लिए रहेंगे वर्गो और सेजिटेरियस, जबकि स्कॉर्पियो और जमनाई के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ आपकी तवज्जा तलब रहेगी, वर्क का लोड आपके ऊपर रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लक आपको फेवर दे रही है, छोटे मोटे रिस्क उठा लीजिएगा, मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ गुड थिंग। एंड इस वीडियो के आगाज में मैंने पाइसेस आपके लिए सत्कार लकी नंबर्स लकी कलर बताए हैं, वीडियो को आगाज से देख लीजिएगा ताकि आप तमाम चीज़ों को फॉलो करके बेनिफिट्स हासिल कर सकें। ये थे हमारे 12 जोड़ी एक साइन, मेरी उनके बारे में प्रेडिक्शन। अगर आप मुझसे अपना जाती चार्ट बनवा के रेमेडीज लेना चाहते हैं, नेम की स्पेलिंग चेंज करवाना चाहते हैं, या कोई अहम काम करने से पहले मशवरा करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।